हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा लिवो 110 बेसिक्स मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स को लेकर, तो फाइनली आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या आपको इस बाइक में प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं, और क्या ये बाइक अब बेसिक्स मॉडल में लेने लायक रही है या नहीं, और क्या क्या इसमें अब आपको फीचर्स इंटरेस्टिंग कंपनी ने ऐड किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बता दूंगा कि ये बाइक अब वैल्यू फॉर मनी रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना रहता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करना चाहेंगे इस बाइक की प्राइसिंग का, क्योंकि बाइक लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइक की प्राइसिंग। तो आज हम इसकी प्राइसिंग का बात करते हैं। तो ये बाइक आपको टोटल दो वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, एक ड्रम वेरिएंट, दूसरा डिस्क वेरिएंट। तो बात करते हैं इसके ड्रम वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की। तो उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको लगभग 79,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके डिस्क वेरिएंट की। तो इसका जो डिस्क वेरिएंट है वो आपको लगभग 82,000 रुपीस के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स इसकी प्राइसिंग की बात। अब हम बात करना चाहेंगे इसके इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन है वो आपको 109.5 सीसी का फोर स्टॉक एयर कूल्ड बेसिक्स कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.79 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.3 एनएम का। तो ये रहा फ्रेंड्स इसके इंजन और पावर फिगर्स की बात। अब बात करते हैं इसमें आपको प्रोस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आपको इसका प्रोस देखने को मिलेगा वो रहने वाला फ्रेंड्स इस बाइक का कंफर्ट। तो अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए एक बाइक लेना चाह रहे थे 110 सीसी सेगमेंट में, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स हो जाती है। अगर अभी आप बाइक लेने के लिए जाते हैं मार्केट में 110 सीसी सेगमेंट में, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स हो जाती है, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। काफ़ी अपराइट पोजिशन में ये बाइक आपको ऑफर की जाती है, और इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई शोल्डर पेन, बैक पेन वगैरह फील नहीं होगा, और इसका जो फिट एंड फिनिशिंग का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके लुक्स की। तो फ्रेंड्स, इसका जो लुक्स होता है वो आपका पर्सनल मैटर होता है, बट इसका जो लुक्स है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके लुक्स को देखते हैं तो इसमें आपको बिग बाइक का फील देखने को मिलेगा। आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगी कि ये 110 सीसी की बाइक है, आपको 125 सीसी वाली बाइक का फील देगा। तो इसका जो लुक्स है वो पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका लुक्स कैसा लगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट प्रोज आपको देखने को मिलता है वो है फ्रेंड्स इसके इंजन को लेकर। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग से ही जानते हैं होंडा का जो यूएसपी रहा है वो है इसका इंजन। तो फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद फ्रेंड्स इंजन जो है वो और भी ज़्यादा रिफाइन हो गया, और काफ़ी आपको रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है। तो इसका जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके इंजन में भी आपको किसी तरह का भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अपने इंजन को अच्छे से मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग करवाते हैं, तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस में आपकी मेंटेन हो जाएगी। बट अगर आप फ्रेंड्स अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये आपको ज़्यादा एक्सपेंस भी करवा सकती है। बट होंडा का जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा आपको रिफाइनमेंट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप हीरो की बाइक से अगर कंपेयर करते हैं, तो इसका जो रिफाइनमेंट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोस की। तो वो रहने वाला फ्रेंड्स इसके माइलेज को लेकर। तो इसका जो माइलेज है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके जो बेसिक्स मॉडल में अब ये बाइक आई है, तो इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन कंपनी ने ऐड कर दिया, तो इसका जो माइलेज में है वो आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। आपको 5-10% का माइलेज में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो ये बाइक अब आपको इजिली 60-65 तक का माइलेज ऑफर कर देगी। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी माइलेज मिल सकता है अगर आप अच्छे से राइड करते हैं। अगर आप इकोनॉमी मोड में राइड करते हैं तो इससे ज़्यादा भी ये बाइक आपको माइलेज दे देगी, बट अप्रॉक्स में आपको ये माइलेज इजिली देखने को मिल जाएगा अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोस का। तो वो रहने वाला फ्रेंड्स फर्स्ट इन सेगमेंट साइलेंट स्टार्ट फंक्शन। तो इस बाइक में आपको कंपनी ACG मोटर ऑफर करती है होंडा, जो कि काफ़ी अच्छा एक बात हो जाता है। इस सेगमेंट की बाइक में भी कंपनी इस फीचर्स को ऐड कर रही है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है, और काफ़ी एक मतलब प्रीमियम अपील बाइक को प्रोवाइड करती है। तो ये एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके पावर टू वेट रेशियो के बारे में। तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका जो वेट है वो आपको 115 kg का देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, और इसमें जो पावर टू वेट रेशियो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स आपको CBS देखने को मिलता है। ABS कंपनी ऑफर नहीं करती, क्योंकि ये 110 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो अगर आप इसके डिस्क वेरिएंट के लिए जाते हैं, तो इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और रेयर में आपको 130mm का इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ड्रम वेरिएंट के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको दोनों में ही 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप बात करते हैं कि कौन सी वेरिएंट अच्छी रहेगी, तो आप इसके डिस्क वाले वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो ब्रेकिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ड्रम वेरिएंट। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट प्रोज के बारे में। तो वो रहने वाला फ्रेंड्स इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है इंडियन रोड्स के हिसाब से। आपको किसी भी तरह का कोई पॉटहोल्स वगैरह आपको फील नहीं होगा, और काफ़ी अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आपका थोड़ा विलेजेस टाइप का एरिया, और अगर आपका ज़्यादा जाना आना होता है विलेजेस एरियाज में, तो आपको किसी भी तरह का कोई ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बात हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सीट हाइट के बारे में। तो इसका जो सीट हाइट है वो आपको 790mm का देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो
एक एवरेज इंडियन राइडर के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच के बीच में, तो आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकेंगे। बट अगर आपकी हाइट उससे भी कम है तो आप एक बार इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं जाके शोरूम में। और जब आप इसका टेस्ट राइड ले तो आप फ्रेंड्स कोशिश करें कि थोड़ा ऑफ रोडिंग में इसका टेस्ट राइड लेने का, जिससे कि आपको पैर का जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़े तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मतलब पैर अच्छे से अट रहा है या नहीं। तो आप इसका कोशिश कर सकते हैं, आप शोरूम वालों को बोल सकते हैं कि मुझे ऑफ रोडिंग में टेस्ट राइड चाहिए, तो आपको ऐसे अरेंज करके दे देंगे। तो ये रहा इसका सीट हाइट का बात। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन के बारे में। तो इसका जो सस्पेंशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर सेट किया गया है, जिससे कि आपको पॉट होल्स वगैरह है वो आपको उतना फील नहीं होगा। इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाता है, और इसका जो रेयर का सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें सस्पेंशन कंपनी ऑफर करती है। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके मेंटेनेंस के बारे में। तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस बाइक में आ जाती है। अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स 110cc सेगमेंट के हिसाब से, तो ये आपको वन ऑफ द मोस्ट लो एक्सपेंसिव बाइक्स में से देखने को मिलेगी। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो ये आफ्टर सेल सर्विस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं होंडा का पार्ट्स वगैरह है वो आपको इजिली अवेलेबल मिल जाता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस का भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके कुछ कॉन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं सारी बाइक्स में प्रोज होता है, तो कुछ ना कुछ कॉन्स भी होता है, तो मैं आपको इसका कुछ कॉन्स बता देना चाहता हूँ। हो सकता है वो आपके लिए मैटर ना करे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो कॉन्स है वो मुझे मेजर लगा फ्रेंड्स इसके लाइट्स को लेकर। इसका लाइट जो है कंपनी ने हैलोजन ऑफर किया, तो अगर आप इस प्राइसिंग में अगर आप देखते हैं तो कंपनी इसमें अगर आपको हैलोजन लाइट्स ऑफर कर रही है, तो वो कंपनी को इसमें कम से कम एलईडी लाइट्स ऑफर करनी चाहिए थी, बट नहीं किया है। तो ये कोई एक मेजर कॉन्स नहीं होता, आप चाहें तो इसे आफ्टर मार्केट चेंज भी करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट मुझे इसका कॉन्स लगा फ्रेंड्स हो रहा है इसका प्राइसिंग। तो अगर आप इसका प्राइसिंग को देखते हैं तो 82,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको इसका डिस्क वेरियंट देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए फ्रेंड्स 110cc सेगमेंट के हिसाब से तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा। बट VS6 मॉडल में आने के कारण जो फ्यूल इंजेक्शन में भी बाइक्स आ रही है, तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बट फिर भी इसका जो प्राइसिंग आपको थोड़ा सा हायर साइड्स पर देखने को मिलता है। तो अगर प्राइसिंग आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, तो आप इस बाइक के लिए इजीली जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए 110cc सेगमेंट में। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल प्रोज एंड कॉन्स का फुल डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।